अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कट एंड सी यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग कैसे की जाए। इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट साइड के आसन के हिस्से पर सिलाई लगाऊंगी। हम यहाँ से अपना थोड़ा सा हिस्सा आसन का छोड़ देंगे। इसी तरह हम बैक साइड के आसन पर भी सिलाई लगाएंगे। और यहां पर भी हम थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे। अब जो हमने फ्रंट साइड के हिस्से पर डार्ट बनाया था, उसको दूसरी साइड पर भी ट्रेस कर लेंगे। ये मैंने ट्रेस कर लिया है। अब हम इसके डार्ट बनाएंगे। हम इस तरह इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी डार्ट भी बना लेंगे। ये हमारी डार्ट बन गई है। अब हम ट्राउजर की साइड्स की सिलाइयां लगाएंगे। ये जो हमने कट्स लगाए थे, इन दोनों को मिला लेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से ये हमारा फ्रंट साइड छोटी है, यहाँ से हम थोड़े से हिस्से को छोड़कर फिर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम इस पर हम बेल्ट वाले कपड़े को अटैच करेंगे फ्रंट साइड पर, तो फिर हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड के भी कट्स को साथ मिलाकर ट्राउजर के बाहर वाले हिस्से की सिलाई लगाएंगे। शुरू में हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। ये हमारी साइड्स की सिलाई लग गई है। अब मैं इसकी अंदर वाले हिस्से की सिलाई लगाऊंगी। मैं कट्स को कट्स के साथ मिला लूंगी। मैं अपनी सिलाई को 5 इंच से स्टार्ट करूंगी। इसी तरह आप मैं दूसरे 5 इंच की सिलाई लगाऊंगी। जो हमने कट्स का निशान लगाए थे उसको एक दूसरे से मिला लूंगी और 5 इंच से अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। हमारी ट्राउजर की बाहर वाली और अंदर वाली सिलाई लग गई है। अब हम इसके आसन की सिलाई को, जो हमने छोड़ी थी, उसे कंप्लीट करेंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे और फिर उसको कंप्लीट कर देंगे। आसन की सिलाई लगाते हुए ये दोनों सीम्स, फ्रंट साइड के हिस्से की और बैक साइड के हिस्से की, इसको हम ओपन करके फिर सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा यहाँ से कपड़ा मोटा मोटा नहीं हो जाए। सिलाई को सिलाई के साथ मिलाऊंगी। अब हमारी ट्राउजर की अंदर और बाहर वाली साइड हो गई है। हम इसके 5 इंच को अंदर टर्न करने के लिए मैं ये थोड़ा सा टर्न करके एक सिलाई लगाऊंगी, ताकि हम उस पर इजीली तुरपाई कर सकें। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह मैं दूसरे 5 इंच पर भी लगा लूँगी। ये दूसरा 5 इंच भी हो गया है। ट्राउज़र का नीचे वाला हिस्सा हो गया है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। पहले मैं इसको टर्न आउट कर लूँगी। अब हम इसकी फ्रंट बेल्ट लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये 1 इंच की बुकरम कटिंग की है। इसकी लेंथ है 15 इंच। अब हम इसके दरमियान से एक कट लगा लेंगे।
हमने इसको पूरा कट नहीं करना। ये देखें, ये हमारी यहाँ से जुड़ी हुई है। अब हम इसको अपने ट्राउजर पर चिपकाएंगे। दरमियान के हिस्से को आप इसको ओपन कर लें, दरमियान में रख कर सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। ये जो हमने दरमियान से कट किया था, इस हिस्से को हम ओवरलैप करके इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर इसको चिपका लिया है। अब हम पट्टी को नीचे रखकर इधर सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अब मैं इस पे कट लगा लूंगी। नेक्स्ट इसके इस कपड़े पर हमने सिलाई लगानी है जो हमने अंदर फोल्ड करना है। हमारी सिलाई ट्राउजर वाले कपड़े पर नहीं आनी चाहिए, जो हमारा अंदर फोल्ड होगा हमारी सिलाई उधर आएगी। इस सिलाई के साथ साथ हमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, फोल्ड होने के बाद फ्रंट साइड पे हमारी कोई सिलाई नहीं होगी। अब हमने साइड से जो सिलाई छोड़ी थी, अब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको इधर हाफ इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसे फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपनी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हम सिलाई लगा रहे हैं, हमारा यहाँ से डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। हम सिलाई यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमारी बुकरम है। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट बन गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। जहाँ पर हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है, हम इधर अपनी इलास्टिक को लगाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर कर देंगे और इस पर एक स्टिच लगा लेंगे। इसको हम पक्का भी कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और अपने स्टिच लगाते जाएंगे। हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हमारी सिलाई इलास्टिक के साथ आनी चाहिए। हमारा यहाँ पर फोल्ड करते हुए थोड़ा सा झोल भी आएगा, क्योंकि हमारी कटिंग टेढ़ी हुई हुई है, तो हम इसको इस तरह से छोटी सी प्लीट देकर इसको दबा देंगे। अब यहाँ भी हम बुकरम के ऊपर अपनी प्लास्टिक को रखेंगे और यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। ये हमारे ट्राउजर की बेल्ट बन गई है और ये बैक साइड। इलास्टिक को खींचकर बैलेंस कर लें और फिर दरमियान में यहाँ पर भी एक स्टिच लगा दें। इससे ये होगा कि हमारी इलास्टिक अपनी जगह पर ही रहेगी। ये हमारी इलास्टिक की बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट बेल्ट है। अब हमने अपने पैंचों को जहाँ तक हमने ये कट का निशान लगाया था, वहाँ तक इनको इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लेंगे और फिर उस पर तुरपाई कर देंगे। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएंगे और हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी थाई तैयार, 13.5 इंच है। हमारा आसन
साढ़े 10 इंच है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।